तो कैसे हैं आप सब बढ़िया अच्छे से रहना भी चाहिए ठंड बहुत ज़्यादा है और इस ठंड के कारण पढ़ाई छोड़ना नहीं है पढ़ते रहना है तो चलिए आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डी ब्लॉक डी ब्लॉक <coughs> हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन, इस, मतलब इस ना कुछ कंसेप्ट ऐसे भी हैं जो आप लोग पढ़े हैं उस नोट्स को एक शॉर्ट फॉर्म में आ, याद रखिएगा नहीं तो ज्यादा नहीं तो कम से कम उसका जितना भी लेंथ है में कितने आते हैं कितने आते डी वन एफ ब्लॉक में जितने भी कुछ एलिमेंट का नाम जरूर याद रखिएगा ठीक है, है? चलिए स्टार्ट करते हैं <coughs> हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट एलिमेंट शोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज कौन है जो हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाता है एमोंग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मतलब ट्रांजिशन सीरीज का फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में से कौन ऐसे एलिमेंट हैं जो हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो चलिए इसको समझते हैं इस क्वेश्चन को तो द ट्रांजिशन एलिमेंट सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है ट्रांजिशन एलिमेंट जो है अलग अलग प्रकार के विभिन्न विभिन्न प्रकार के ट्रांजिशन एलिमेंट uh, uh, जो होते हैं सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ठीक है तो तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो एम एन शो करता है एम एन एम एन जो है ट्रांजिशन स्टेट का वो एलिमेंट है जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सो आनाइंस किस फॉर्म में ऑक्सो अनायंस के फॉर्म में और इनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है प्लस सेवन होता है तो हमारा आंसर क्या होगा एम एन मैंगनीज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स 4f एफ इनर्जी इज ग्रेजुअली फिलेड फोर एफ इनमें से कौन से ऐसे एलिमेंट है जो जिनका जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f एफ में जाता है 4f एफ एनर्जी मतलब 4f को भर देता है तो वो कौन है तो पहले देखते हैं इसमें इन सभी तो लेंथेनाइट के बारे में देखते हैं जो होते हैं इनके जो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फोर एफ और को फिल कर देते हैं ठीक है और लेंथनाइड्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो ये होता है तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यन आपको याद रहेगा ना लेंथेनाइट का एक्टिनोइड्स का तो आप आसानी से डिस्टिंग कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा तो ठीक है तो इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक याद रखिए ना ज्यादा जायद रखने की जरूरत नहीं है ठीक है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा लेंथेनॉइड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ के गिव्स गिवस वेटिस प्रिसिपिटेट द प्रिपिटेट इज मतलब कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को ट्रीट करते हैं किसके साथ एक्सेस ऑफ पोटासियम आयोडाइड के साथ तो हमको क्या मिलता है वाइटिस प्रिसिपिटेट मिलता है तो वो वाइटिस प्रिसिपिटेट क्या है वो वाइटिस प्रिसिपिटेट नामक सब्सटेंस क्या है तो क्या होगा वो तो जब कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो क्या बनाता है क्यूपरस आयोडाइड एंड आयोडाइड ठीक है चलो मैं रिएक्शन देख लेते हैं तो यहाँ ये यह रहा कॉपर सल्फेट ये रहा पोटेशियम आयोडाइड रिएक्शन किया कॉपर आयोडाइड प्लस के2SO4 बना दिया और ये तो प्रेसिपिटेट बना है ना यहां i2 ये रिलीज हो आयोडाइड बोलना i2 रिलीज हो जाता है ठीक है ना किसी के फॉर्म में सॉलिड के फॉर्म में किसी भी चीज के फॉर्म में रिलीज हो गया लेकिन इन सभी में से तो वाइटिस प्रिपिटेट कौन बनाता है वो बनाता है कॉपर आयोडाइड ठीक है ये चीज पूछा है वाइटिस प्रिपिटेट कौन बनाता है वो बनाता है कॉपर आयोडाइड ही वाइटिस प्रिपिटेट बनाता है तो क्या आंसर होगा कॉपर आयोडाइड सी यू आई टू चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मर्क्यूरिक क्लोराइड रिएक्ट्स विद अमोनिया गैस एंड फॉर्म्स वाइट प्रिस्पिटेट द मोलिकुलर फॉर्मूलाटेज मतलब बोला कि मर्क्यूरिक क्लोराइड रिएक्ट किया किसके साथ अमोनिया गैस के साथ तो क्या बना लिया फॉर्म्स व्हाइट फॉर्म्स व्हाइट प्रिस्पिटेट ठीक है क्या बनाया वाइट प्रिस्पिटेट बनाया तो बोला और पूछ रहा द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इज जो व्हाइट प्रिस्पिटेट बना उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा तो क्या होगा इसको समझते हैं तो जब अमोनिया गैस रिएक्ट करेगा मर्क्यूरी के साथ मर्क्यूरी क्लोराइड का फॉर्मूला ये हो जाता है देखिए एच जी टू सी एल टू तो ये क्या बना के दे देता है तो मेटेलिक मर्क्यूरी बना के दे देता है और वो क्या किस कलर का होता है वो वो ब्लैक कलर का होता है ठीक है मेटेलिक मर्क्यूरिक किस कलर का होता है ब्लैक कलर का होता है ये भी थोड़ा याद रखिएगा कहीं क्वेश्चन पूछ दे एंड एंड मर्क्यूरिक अमाइडो क्लोराइड ठीक है मर्क्यूरिक अमाइडो क्लोराइड भी बनता है जो कि प्रिस्पिटेट के फॉर्म में होता है और वो कैसे किस कलर का होता है तो वो होता है व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट का ठीक है व्हाइट कलर का प्रिस्पिटेट होता है ठीक है तो इसको आप इसका केमिकल फॉर्मूला वगैरह लिख के देखते हैं तो चलिए एच जी टू सी एल टू मर्क्यूरिक क्लोराइड लिख दिए रिएक्शन करा रहे हैं आप अमोनिया लिख दिए रिएक्शन करा लिए क्या बन गया एच जी एन एच टू सी एल कलर का प्रिपिटेट ठीक है और उसके साथ क्या क्या बना एच जी प्लस एन एच फोर प्लस प्लस सी एल है ये सब क्या है तो ये है मर्क्यूरिक एमाइडो क्लोराइड ये रहा ये है मर्क्यूरिक एमाइडो क्लोराइड ये 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 क्या है मर्क्यूरिक एमाइडो क्लोराइड ठीक है तो यहाँ पे देखिए एच जो है ना एच ये ऑक्सीडाइज हो गया और ऑक्सीडाइज होने, होने होने के साथ साथ रिड्यूस भी हो गया ऑक्सीडाइज एज है तो यहाँ पे देखिए ये एच जी टू सी है ना ये एच जी टू सी में एच जो है ना ये रिड्यूस हो गया मतलब यहां पे जो एच है ना ये दोनों नेचर शो कर रहा ऑक्सीडाइज भी हो जा रहा है रिड्यूस भी हो जा रहा है ठीक है तो HG2HGNH2Cl यहाँ पे देखिए Hg जी ऑक्सीडाइज भी हो गया रिड्यूस भी हो रहा है ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और एक चीज और याद रखिएगा हम यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला लिख दिए हैं उसका नाम भी लिख दिए हैं HgNH2Cl ये क्या है इसका नाम अमोनिएटेड मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिएटेड मर्क्यूरी क्लोराइड ठीक है तो ये सब चीज याद रखिएगा तभी तो क्वेश्चन बनेगा ना चलिए हमारा फिर आ, आंसर हमारा क्या हो जाएगा एच जी एन एच टू सी एल ऑप्शन नंबर डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द हाइएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट सोन बाय द ट्रांजिशन मेटल आयन विद द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन इज मतलब कि बोला कि द हाइएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट सोन बाय द ट्रांजिशन मेटल आयन ठीक है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिकेशन मतलब कि हाइएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट सोन बाय द कौन सा किसके द्वारा ट्रांजिशन एलिमेंट में किनके द्वारा हाइएस्ट सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट सो होगा ठीक है वो कौन से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन वाले जो हैं वो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट्स शो करेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से डिसाइड करना है तो चलिए देखते हैं द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट इज सोन बाय द ट्रांजिशन मेटल आयन ठीक है सही है विथ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन डी एज इट हैज मैक्सिमम फाइव नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अच्छा ये बात तो ये बात है मतलब बोला कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट वो शो करेंगे जिनके पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ठीक है ना सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनका होगा वो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट शो करेंगे तो मतलब कि हायर इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हायर इज द मैग्नेटिक मूवमेंट तो चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं यहां पर देखिए थ्री डी फाइव लेकिन डी डी में तो टेन इलेक्ट्रॉन आते हैं ठीक है तो यहां पर फाइव है तो फाइव टू जेन मतलब पांच को और देगा तो पेयर्ड हो जाएगा तो यहां पर तो फाइव जो है फाइव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहां देखिए थ्री डी टू है मतलब यहां तो फोर ही टू टू सॉरी सॉरी यहां पे तो टू ही है यहां पे तो टू है टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहां पे सेवन ठीक है ना तो तीन ही इलेक्ट्रॉन आएंगे ना नाइन मतलब वन ठीक है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए दैट इज थ्री डी फाइव थ्री डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द जनरल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होता है तो ये सो ये तो क्वेश्चन हो गया रटने वाला इसको तो आप याद रखिएगा तो इसका आंसर क्या होगा बी एन माइनस वन इंटू डी पावर वन से लेके दस तक इंटू एन एस जीरो तक जाए ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थ्री डी टेन फोर एस टू इज ऑफ इन सभी में से आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब ये थ्री डी टेन फोर एस टू किसका है इन सभी में से ये जो दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो किसका है तो वो है जिंक का ठीक है ना वो है जिंक का तो ये सब तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सब का निकाल ले सकते हैं आराम से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो चलिए ये सब तो आसान क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गोल्ड ए मेटल इन कंपाउंड एज इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल में मेटल में गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है ये तो बस याद रखिएगा कि गोल्ड का जब गोल्ड जो मेटल के फॉर्म में रहता है तो उसका प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ठीक है विच ऑफ द फ्लाइंग मेटल इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर इन सभी में से कौन से ऐसे मेटल हैं जो लिक्विड रहते हैं एट रूम टेम्परेचर पे तो जैसे मरकरी ठीक है ना मरकरी विच ऑफ द फ्लाइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज इन सभी में से ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट कौन सा नहीं है तो द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और थ्री डी सीरीज स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम ठीक है ट्रांजिशन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है वो स्कैनेडियम से स्टार्ट होता है और जिंक और जिंक पे जाके खत्म हो जाता है ठीक है जिंक पे खत्म होता है इसके बीच बीच में इसमें बीच में कौन कौन आते हैं आयरन आते हैं क्रोमियम आते हैं निकिल आते हैं ठीक है थीके? तो अब देखिए कौन कौन आ गए आयरन आ गए आयरन आ गए ना क्रोमियम भी आ गए निकिल भी आ गए कौन सा बच गया मैग्नेशियम तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मैग्नेशियम नेक्स्ट पे चलते हैं द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि मोस्ट कॉमन मतलब आम है तो एक्सेप्ट फॉर स्केडियम एक्सकेडियम को छोड़ के द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन इज द फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज प्लस टू स्केडियम को छोड़ के

Oh, sorry, sorry. The transition metal which shows highest oxidation state is the transition metal. This is transition metal. In this, which one? highest oxidation state शो करता है इनमें से कौन highest oxidation state शो करता है तो चलिए देखते हैं Mn

चलिए इतना ही क्वेश्चन था तो सो डेट सॉल्व और इसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा हम तो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश किए हैं लेकिन कहीं भी कोई क्वेश्चन वगैरह छूट जाए तो आप बेहिचक हमें पूछ सकते हैं ठीक है तो चलिए डेट सॉल्व फॉर द डे एंड थैंक यू हैव अ